नागलोक में नागराज, नागरानी और सारे नागलोक के नाग नागिन हाथ जोड़े आसमान की ओर देखते हुए खड़े थे। ये देखकर वहीं मौजूद नागिन नताशा अपने साथ खड़े नाग वैश्विक से कहती है, वैश्विक, आखिर ये सब क्या हो रहा है? हम आसमान की ओर देखते हुए हाथ जोड़े क्यों खड़े हैं? कल की नागलोक की सभा में तुम थी नहीं क्या, जब नागराज ने पूरे नागलोक को बताया था कि आज देवलोक से एक नागिन नागलोक आने वाली है? अच्छा, तो ये देवलोक से आने वाली नागिन में कुछ अलग है क्या? मेरा मतलब होगी तो वो भी हमारी ही तरह नागिन ना, देवलोक से आकर कोई परिंदा तो बन नहीं गई होगी, तो ये इतना तामझाम क्यों कर रहे हैं नागराज? तुम सत्य में पागल हो चुकी हो। पता है देवलोक जाने का सौभाग्य करोड़ों नाग नागिनों में से किसी एक को मिलता है, जिसके बाद वो देवलोक में रहकर शिव के समक्ष रहकर अपनी तपस्या पूरी करके वापस नागलोक आता है या आती है। साथ ही उसके पास असीम शक्तियाँ होती हैं, नागराज से भी बहुत अधिक। अगर नागराज नागलोक के राजा हैं, तो देवलोक से आने वाली नागिन वो नागिन नागलोक के राजा की भी महारानी होगी। इतनी खास है ये देवलोक से आने वाली नागिन, अब तो देखना ही पड़ेगा आखिर है कौन। इतना बोलते ही नताशा भी हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कुछ ही पलों में आसमान से एक तेज प्रकाश प्रकट होता है और जैसे ही वो प्रकाश हटता है तो एक बहुत ही दिव्य रूप लिए नागिन सबके सामने प्रकट होती है, जिसका शरीर सबसे विशाल था और वो अपने अर्धनागिन रूप में किसी देवी से कम नहीं लग रही थी। उसको देखकर वहां मौजूद सभी नाग नागिन हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और उसके बाद नागराज कहते हैं, शिविका नागिन का नागलोक में स्वागत है। देवलोक से आई नागिन शिविका, आपको नागलोक के नागराज का प्रणाम। प्रणाम नागराज, मुझे अति प्रसन्नता हुई नागलोक आकर। अब से ये नागलोक ही मेरा घर है और आप सबको एक सूचना दे दूं कि देवलोक के सभी देवों ने नागलोक के प्रत्येक सदस्य को प्रेम और आशीर्वाद भेजा है। शिविका नागिन की ये बात सुनकर सभी उसकी जय जयकार करते हुए कहते हैं, देवलोक से आई नागिन शिविका की जय, नागलोक की महारानी शिविका की जय। शिविका नागिन का भव्य स्वागत देखकर नताशा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। शिविका को नागराज नाग महल में ले जाते हैं, जिसके बाद सभी नाग नागिन अपने कार्यों के लिए चले जाते हैं। तो वहीं नताशा नागिन ये सब देखकर कहती है, इस नागिन के आने के बाद से तो सभी इस पर ऐसे ध्यान देने में लगे हैं जैसे ये देवलोक से आई नागिन नहीं बल्कि देवलोक से आई कोई देवी या अप्सरा हो। नताशा के मन में शिविका नागिन के लिए बहुत से सवाल थे जिनको वो अपने मन में दबाए बैठी थी। अब नागलोक के ढंग बदल गए थे। देवलोक से आई शिविका नागिन नागलोक के नाग नागिन को किसी भी खतरे से बचाने के लिए देवलोक से सीखे युद्ध की तकनीकें सिखा रही थी। ये देखकर नताशा गुस्से में अपने साथी नागिन सुकन्या से कहती है, यार ये सब इस नागिन को इतना क्यों महत्व दे रहे हैं? नागराज ने भी इसके कहने से नागलोक के सभी नाग नागिनों को युद्ध तकनीकें सीखने के लिए भेज दिया। तुम्हें क्या दिक्कत है सीखने में? अरे ये तो देखो कि अगर कभी अचानक ही नागलोक में किसी ने हमला कर दिया तो तुम किसी और की ना सही लेकिन खुद की तो रक्षा करने लायक होगी ही ना। सही कह रही है सुकन्या, नताशा तुमने तो शुरुआत से ही देवलोक से आई नागिन शिविका के खिलाफ अपने मन में जहर भर रखा है, देखना एक दिन यही तुम्हारे काम आएगी। नताशा किसी की बात को भी महत्व नहीं देती थी। तो वहीं अब शिविका के आने के बाद से नागलोक में हर जगह अनुशासन में रहने की शिक्षा दी जा रही थी। ऐसे ही एक शाम जब नागलोक के भ्रमण के लिए निकली शिविका नागिन वन की ओर जाती है तो वहाँ पहले से ही नागदास आकर सभी नाग नागिनों को वन खाली करने के लिए बोल देता है, जिस बात से गुस्से में आई नताशा नागिन उससे कहती है, ये क्या बात हुई, वो देवलोक से आई नागिन को अगर वन घूमना है तो हमारे रहते हुए घूमे, उसके चक्कर में हम क्यों वन खाली करें? अरे हैं तो हम सभी भी उसी की तरह ही नाग नागिन ना। नताशा क्यों बहस कर रही हो, चलो ना, वैसे भी हम कुछ देर में तो यहाँ से जाने वाले थे। नहीं, अब तो मैं यहीं रहूँगी, आखिर कब तक उस देवलोक से आई नागिन को अलग अलग तरह का आकर्षण मिलता रहेगा नागलोक में, आखिर है तो वो भी एक नागिन ही ना। नताशा के इतना बोलते ही उसके पीछे से उसको नागिन शिविका की आवाज़ आती है जो उससे थोड़ा दूर खड़ी थी और उसके कहे शब्दों का जवाब देते हुए कहती है, बिल्कुल सही कहा तुमने नताशा नागिन, इस नागलोक में किसी को भी खास महत्व देने का कोई तात्पर्य नहीं है, लेकिन इस दास का यहाँ से सबको भेजने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है
कि आप सभी नाग नागिनों को मुझसे अलग महत्व दे रहे हैं। मैं कई वर्ष तक देवलोक रहकर आई हूँ, जिसके कारण मेरे शरीर से निकलने वाला ताप आप सभी के लिए हानिकारक है, क्योंकि ये एक दिव्य ताप है जो साधारण इच्छाधारी नाग नागिनों के लिए नुकसानदायक है। ऐसा कुछ नहीं है, आप अभी हमारे सामने ही तो हैं। देखिए कुछ हुआ क्या हमें। नताशा की ये बात सुनकर शिविका नागिन उसके थोड़ा पास आती है, जिसके बाद से शिविका नागिन के अंदर से आने वाला तेज प्रकाश नताशा के शरीर को जलन महसूस करवाता है, जिससे बचने के लिए नताशा दूर होकर कहती है, ठीक है समझ गई मैं, अब मैं जाती हूँ। इतना बोलकर नताशा नागिन और सभी नाग नागिन वहाँ से चले जाते हैं। अब समय गुजरता है, देवलोक से आई नागिन शिविका नागलोक के रंग में ढल जाती है और अब उसके तेज से किसी को हानि नहीं होता था। लेकिन नागिन शिविका की शक्तियों को छीनने के लिए राक्षस कुल का एक नेवला राक्षस अर्ध नवलेश अपनी सेना को लेकर नागलोक पर हमला कर देता है। नागलोक में राक्षसों का आक्रमण देखकर नागराज शिविका से कहते हैं, नागिन शिविका देखिए, आखिर ये सच हो गया, आपके नागलोक आने का मकसद यही युद्ध था जिससे आप नागलोक को बचाना चाहती थी, इसीलिए आपने नागलोक के प्रत्येक नाग नागिन को युद्ध तकनीकें सिखाई थी। हाँ नागराज, और देखिए नागलोक का प्रत्येक नाग अपनी रक्षा के लिए राक्षसों से युद्ध कर रहा है, लेकिन नवलेश को हराने के लिए मुझे मैदान में जाना ही होगा। जी देवनागिन, आप जाइए, मैं अन्य राक्षसों का संहार करता हूँ। नागराज और पूरा नागलोक राक्षसी सेना से युद्ध में व्यस्त था। वैश्विक, सुकन्या और अन्य नाग नागिन अपनी सीखी हुई युद्ध तकनीकों का इस्तेमाल करके छोटे राक्षसों से लड़ रहे थे, तो वहीं नताशा नागिन सबसे बचती हुई भागती हुई कहती है, मैंने तो सही से युद्ध तकनीकें सीखी ही नहीं, अब क्या करूं? सभी अपनी अपनी रक्षा करने में व्यस्त है, लगता है आज नागलोक में मेरी समाधि बनना निश्चित है। एक राक्षस नताशा नागिन पर वार करने ही वाला था कि तभी वहाँ शिविका नागिन अपने अर्ध नागिन रूप में आकर अपनी दिव्य तलवार से उस राक्षस को मारकर नताशा नागिन को बचाते हुए कहती है, आप ठीक तो है नताशा नागिन, आप किसी सुरक्षित जगह पर चली जाइए। नताशा नागिन एक पेड़ के पीछे छुप जाती है, जिसके बाद वो शिविका नागिन को राक्षसों का संहार करते देखती है। साथ ही राक्षसों के राजा नेवले नवलेश से देव नागिन शिविका का बहुत भयंकर युद्ध होता है, जिसमें नागिन शिविका अपने नागिन रूप को विशाल करके हाथों में दिव्य तलवार पकड़े नवलेश से कहती है, नेवले नवलेश, तुमने मेरे नागलोक को नुकसान पहुंचाने की जो योजना बनाई थी उसको मैं देवलोक में रहते ही जान गई थी, इसीलिए मैंने इस नागलोक को बचाने के लिए सभी नाग नागिनों को युद्ध करने के लिए सक्षम बना दिया, इसीलिए तुम्हारी सेना को तो ये यूं ही समाप्त कर देंगे, और रही बात तुम्हारी तो तुमको तो मैं समाप्त कर दूंगी। इतना कहकर शिविका नागिन एक जोरदार प्रहार से नेवले नवलेश का सर धड़ से अलग कर देती है। साथ ही नवलेश के मरते ही उसके सारे राक्षस अपने आप गायब हो जाते हैं। ये नजारा देखकर नागलोक के सभी नाग नागिन शिविका के आगे हाथ जोड़े खड़े होते हैं, जिस पर नागराज वहां आकर कहते हैं, नागिन शिविका, आपके नागलोक आने का मकसद पूरा हुआ, अब आपको वापस देवलोक जाना पड़ेगा। हाँ नागराज, इसीलिए अब आप बचे हुए नाग नागिनों को भी युद्ध भूमि में उतरने के बारे में बताइए, उनको युद्ध करने के लिए कौशल बनाइए, ताकि भविष्य में उनको किसी की आवश्यकता ना पड़े। क्यों नताशा नागिन, अब तो आप सीखेंगी ना युद्ध करने की तकनीकें। मुझे क्षमा कीजिए देव नागिन शिविका, मुझे लगा आप नागलोक में बदलाव करने आई हो, मुझे क्या पता था देवलोक से साक्षात देवी आई थी हमें इस भयंकर युद्ध से बचाने। अब आप अपना और बाकी सबका ध्यान रखना नागराज, और यदि भविष्य में कोई भी समस्या आए तो देवलोक से ये नागिन शिविका दोबारा इस नागलोक में आ जाएगी। देव नागिन शिविका की जय। एक दिव्य प्रकाश के प्रकट होने के साथ देवलोक से आई नागिन शिविका उसी प्रकाश के साथ वापस देवलोक लौट जाती है, जिसके बाद नागलोक में किसी के मन में उसके लिए कोई द्वेष की भावना नहीं होती और सब उस देव नागिन शिविका का सम्मान करते हैं। नागलोक की रानी नगीना को उनके मणि के लालच ने अब दासी बना दिया था, क्योंकि नागलोक
और मनुष्य के कल्याण के लिए बनी मणि नागरानी ने अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की, जिसके चलते नागराज ने क्रोध में आकर नागरानी नगीना को रानी से दासी बना दिया। और अब नागराज का विवाह नागलोक की सबसे सुंदर नागिन नयनतारा से होने जा रहा था, और नगीना नयनतारा की दासी के रूप में कार्यरत थी, जिसके चलते वो ये सब देख एक रात गुस्से में अपने कक्ष से बाहर आकर नाग महल के बगीचे में जाकर बोलती है, जहाँ मुझे होना चाहिए था वहाँ ये नयनतारा कुछ दिनों में बैठने वाली है उस नाग रानी की गद्दी पर, और मैं एक दासी बनी उसकी सेवा में लगी हूँ। नागराज ने मुझ नागिन को दासी बनाकर रख दिया, अब देखना ये दासी क्या करेगी। चैन से नहीं रहने दूंगी मैं नयनतारा को और आपको। एक तरफ नगीना गुस्से में नयनतारा को नुकसान पहुंचाने की सोच रही थी, तो वहीं वो अपने कक्ष से बाहर बगीचे में बैठी देखती है कि नागराज नयनतारा के कक्ष की तरफ जा रहे हैं। ये देखकर दासी नगीना खुद से कहती है, आखिर नागराज नागिन नयनतारा से इस वक्त क्या बात करने जा रहे हैं, सुनना पड़ेगा। नगीना नागराज के पीछे छुपते छुपाते अपने सांप रूप में नयनतारा के कक्ष में जाती है, जहाँ नागराज नागिन नयनतारा से कहते हैं, नागिन नयनतारा, अच्छा है आप अभी तक जगी हुई हैं। मुझे आपसे बहुत ही आवश्यक बात करनी है। ऐसा क्या काम है आपको नागराज, जो आप इस पहर में मेरे कक्ष में आए? कहीं दासी नगीना ने कुछ और तो नहीं कर दिया? नयनतारा के मुख से अपने लिए ये सुनकर सांप रूप में बैठी नगीना मन ही मन में बोलती है, नागिन नयनतारा, अभी तो इस दासी नागिन ने कुछ नहीं किया, लेकिन जल्दी कुछ ऐसा करेगी कि तुम और नागराज कोई भी संभाल नहीं पाओगे। नयनतारा की बात का जवाब देते हुए नागराज कहते हैं, किया तो नहीं है लेकिन कर सकती है, मणि को पाने की चाहत एक बार फिर, क्योंकि तुम्हारे विवाह में मणि प्रकट होगी और उस समय नागरानी नगीना मेरा मतलब दासी नगीना कुछ तो करने की कोशिश करेगी। मुझे नहीं लगता नागराज, दासी नगीना अब अपने दास बनने के बाद से सुधर गई है, वो पश्चाताप कर रही है अपनी भूल का। तभी तो देखिए आपके और हमारे विवाह के ऊपर भी उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला। ये सब सुनते हुए सांप बनी नगीना अपनी पूंछ हिलाती है, जिससे कक्ष में आहट होती है, और ये सुनकर नागराज बोलते हैं, कौन है इस कक्ष में, कौन है, सामने आओ। दासी नगीना जल्दी से रेंगते हुए कक्ष के बाहर जाती है और अपने इंसानी रूप में आकर कहती है, मैंने क्या किया, बात सुनने से पहले ही हलचल कर दी, अब तो कुछ भी पता नहीं चलेगा क्या बात हुई नागराज और नयनतारा के बीच में। खैर कोई नहीं, नागिन नयनतारा को मुझ पर थोड़ा तो यकीन है, उसी का फायदा उठाएगी अब ये दासी नागिन। अगली सुबह जैसे ही नागिन नयनतारा अपनी आँखें खोलती है, तो सामने नगीना हाथों में जहर का प्याला लेकर खड़ी हुई थी, जो नयनतारा के उठते ही कहती है, नागिन नयनतारा ये लीजिए आपका सुबह का जहर का प्याला, आपके उठने से पहले ही हाजिर है। अरे नगीना, तुमने हमारे उठने से पहले ही ये तैयार कर लिया, शुक्रिया तुम्हारा, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी, तुम ये मुझे कुछ देर बाद भी दे सकती थी। ऐसे कैसे ये दासी अपनी होने वाली रानी को इंतजार करवाती, अरे ये तो मेरा काम है, और आपको किसी चीज की दिक्कत ना हो इस बात का ख्याल तो मुझे ही रखना है ना। अब आप ये जहर पी लीजिए, मैं तब तक आपके स्नान करने का पानी तैयार करती हूँ। नगीना इतना बोलकर नयनतारा के कक्ष से बाहर जाती है, जिसके बाद नयनतारा खुद से कहती है, लगता है दासी बनने के बाद से नगीना में सुधार आया है, वो अपनी सजा को अच्छे से निभा रही है, ऐसा ही रहा तो मैं नागराज से उसकी सजा कम करवाने के लिए बात करूंगी, और जो कल रात को नागराज ने मणि के बारे में मुझसे पूछा, अब उनको शायद उसके बारे में भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नयनतारा की ये बातें बाहर नगीना कान लगाकर सुन रही थी, जो वो वहाँ से सीधा जाकर नागलोक के वन में आकर खुद से कहती है, मुझे अपना ये दासी वाला कार्य समाप्त करने के लिए कुछ करना होगा, लेकिन उससे पहले मुझे ये बात जाननी होगी कि आखिर नागराज और नागिन नयनतारा के बीच में क्या बात हुई, उसके लिए मुझे मदद लेनी होगी पाताल लोक के चील चिराग की। इतना बोलकर दासी नागिन नगीना पाताल लोक के दरवाजे पर जाकर कहती है, पाताल लोक के संरक्षक चील, ये नागिन नगीना तुमसे मिलना चाहती है। पाताल लोक के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं और अंदर से चील चिराग की आवाज आती है, जो नागिन नगीना से बोलता है,
नागिन नगीना, तुम पाताल लोक में क्या कर रही हो? अब आ ही गई हो तो अंदर आ जाओ। नगीना के अंदर आते ही पाताल लोक के दरवाजे बंद हो जाते हैं, जिसके बाद नगीना अंदर आकर गद्दी पर बैठे चील चिराग से कहती है, बहुत समय बाद मिलना हुआ चील चिराग, भूल तो नहीं गए मुझे? नाग रानी से दासी बनी नागिन को कैसे भूल सकता हूँ मैं, और एक दासी अब हमारे पाताल लोक में आने की हिम्मत कर रही है ये भी देख रहा हूँ मैं। भूल रहे हो चील चिराग, ये नागिन दासी तुम्हारे कारण ही बनी है। तुमने ही मेरे मन में मणि का लालच बन पाया था, जिसके कारण नागलोक की रानी होने का गलत फायदा उठाते हुए मैं मणि को चोरी करने की कोशिश कर रही थी और नागराज ने मुझे देख लिया और तुम एक दासी बन गई। वो भी तुम्हारे कारण। मैंने अपनी सारी नागरानी की शक्तियाँ खोकर भी तुम्हारा नाम नहीं लिया नागराज के सामने, वरना इस पाताल लोक में तुम इतने ठाट से नहीं बैठे होते। तो अब क्या चाहती हो दासी नागिन? अपनी नागरानी की गद्दी और नागमणि भी। तुमको इसमें मेरी मदद करनी होगी। तुमको नागराज का भेस लेकर नागरानी नैनतारा के पास जाना होगा और उससे नागमणि का राज उगलवाना होगा, जो कुछ दिन पहले ही नागराज ने उसे बताया है। शायद ये जानकर हमें मणि मिल जाए। नागमणि के लालच में एक बार फिर दासी बनी नागिन नगीना अपनी घटिया चाल चलने वाली थी। कुछ देर बाद नैनतारा स्नान करने के लिए आने वाली थी, जहाँ नगीना पहले से मौजूद थी, जो पानी में एक शीशी से कुछ मिलाते हुए कहती है, लेकिन नागिन नैनतारा तो मेरे नजदीक आते ही मुझे मेरी गंध से पहचान जाएगी कि मैं एक नाग नहीं चील हूँ। उसका इंतजाम भी मैंने कर लिया है। उसके स्नान के पानी में मैं एक ऐसा इत्र मिलाऊंगी कि उसको हर तरफ एक ही गंध आएगी। अब देखती हूँ कैसे नैनतारा चील चिराग को नागराज के भेस में पहचान पाती है। नगीना के इतना बोलने के बाद नैनतारा स्नान के लिए आती है, और स्नान करने के बाद जब नगीना नैनतारा का श्रृंगार कर रही थी, तभी वहाँ नागराज आते हैं, जो नगीना से कहते हैं, दासी नगीना, कक्ष से बाहर जाइए, हमें अपने होने वाली पत्नी से कुछ वार्तालाप करनी है। जो आज्ञा नागराज। नगीना के जाते ही नागिन नैनतारा नागराज से कहती है, महाराज ऐसा क्या कार्य आन पड़ा कि आपने मेरे श्रृंगार को बीच में रोक दिया? नागरानी, मैं भूल रहा हूँ कि मैंने मणि कहाँ रखी है, और आप तो जानते हैं हमारे विवाह में मणि कितनी आवश्यक है। तो क्या मैंने आपको कुछ ऐसा बताया है मणि के बारे में जिससे मुझे याद आ जाए कि मैंने मणि कहाँ रखी है? नागराज, आपने ही तो बोला था कि मणि हमारे विवाह में प्रकट होगी, इसलिए आप उसको सबके सामने लाए बिना भी सबके सामने प्रकट करेंगे, वो भी मुझे पहनाने वाले मंगलसूत्र में लगाकर। असल में मेरा मंगलसूत्र नागमणि से जड़ा होगा। हाँ, हमें याद आया, शुक्रिया आपका। अच्छा है हमने आपको बता दिया था। अच्छा अब आप तैयार हो जाइए, कल हमारे विवाह का शुभ मुहूर्त है। इतना बोलकर नागराज वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन नागलोक में उत्सव होता है। सब कुछ भव्य तरीके से सजाया जा रहा था, जिसके बाद मंडप में बैठे नागराज नागिन नैनतारा के आने की राह देखते हैं, और कुछ ही पलों में लंबे से घूंघट में नागिन नैनतारा मंडप पर आती है, जिस पर नागराज कहते हैं, नागिन नैनतारा, ये घूंघट क्यों? आप तो इस नागलोक की होने वाली रानी हैं, आपको हमसे या किसी से भी शर्माने की जरूरत नहीं है। नहीं नागराज, आज विवाह के अवसर पर दुल्हन का चेहरा छुपा रहना चाहिए, ताकि तुम्हारा असली चेहरा कोई देख ना पाए, है ना दासी नगीना? नैनतारा नागिन मंडप में आती है, जिसके बाद घूंघट में आई दुल्हन अपना चेहरा दिखाती है, और वो नागराज के हाथों से मंगलसूत्र छीनते हुए कहती है, तो आप सबके सामने मेरा सच आ ही गया कि ये मैं हूँ, पर कोई बात नहीं, मेरा मकसद पूरा हो गया, ये नागमणि मेरे हाथ लग गई, अब मैं इस नागलोक पर राज करूंगी। अरे दासी नगीना, तुमने साबित कर दिया कि तुम दासी बनने योग्य ही हो। अरे तुम्हें क्या लगा तुम चील चिराग को नागराज बनाकर लाओगी और यहाँ किसी को पता नहीं चलेगा? और सच में इस मंगलसूत्र में मणि है? बिल्कुल भी नहीं, ये सब हमारी चाल थी उस चील को पकड़ने के लिए, क्योंकि पहले तुमने उस चील का नाम नहीं लिया था और हम नागलोक के नियमों के तहत उसको पकड़ने पाताल लोक नहीं जा सकते थे। इसलिए जब तुम्हारा चील चिराग उससे नागराज बनकर मिलने आया, उसके बाद जैसे ही उसने तुम्हें मेरे से सुना सच बताया, उसके बाद उसको पकड़ लिया गया, और अब तुमको भी दासी के पद से मुक्त करके बंदी का पद दिया जाएगा,
उम्मीद है तुम उसे अच्छे से संभालोगी। दासी नागिन नगीना का लालच एक बार फिर उसको ले डूबता है और अब वो दासी तो नहीं रही लेकिन नागलोक की ता उम्र कैदी बन गई। मंदिका एक बहुत ही खूबसूरत और साथ ही बहुत मंजिले स्वभाव की नागिन थी। पूरे नागलोक के नाग उसकी अदाओं के दीवाने थे। ऐसे ही एक दिन मंदिका शिव मंदिर में पूजा करके लौट रही थी तभी रास्ते में उसे नाकेश नाम का नाग रोक लेता है और कहता है, अरे मंदिका, तुम शिव से क्या मांगने जाती हो? जो तुम्हारे पास है वो तो किसी के पास नहीं है। इतना कातिलाना रूप, ये हुस्न, ये नशीली आँखें, तुम्हारा जहर भी किसी नशे से कम नहीं होगा। कुछ और कहना है या मैं जाऊँ? अरे गुस्सा क्यों होती हो तुम? सच कह रहा हूँ एकदम, चाहो तो परख कर देख लो, सच में तुम्हारा जहर किसी नशे से कम नहीं है। होशो हवास ठिकाने पर नहीं है क्या? जहर जहरीला होता है, नशीला नहीं। और वैसे ही तुम जैसे नागों को मैं अच्छे से जानती हूँ, तुम बस दिल और मन में जगह बनाने के लिए ये सब कह रहे हो। इतना कहकर मंदिका वहाँ से चली जाती है और जैसे ही वो अपनी गुफा के अंदर जाने लगती है तभी उसके पैर में एक नुकीला पत्थर चुभ जाता है और पैर से जहर बहने लगता है जिसे देखकर मंदिका कहती है, ओह कितना जहर बहे जा रहा है, एक काम करती हूँ इस जहर को किसी प्याले में जमा कर लेती हूँ, किसी नवजन्मित नाग नागिन को दे दूंगी। इतना कहकर मंदिका लंगड़ाते हुए किसी तरह गुफा में जाती है और अपने पैर से बहते हुए जहर को वो एक प्याले में जमा कर लेती है और फिर जख्म को ठीक करने के लिए उस पर मरहम लगाती है। तभी वहाँ पर मंदिका नागिन की सखी शिवी आती है और कहती है, अरे मंदिका ये क्या हुआ? कुछ नहीं, जरा सी चोट लग गई थी बस। तुम इस वक्त यहाँ कैसे? बस यूं ही आ गई, कुछ खास नहीं। याद है ना कल शिव मंदिर में उत्सव है, वहाँ हम दोनों को जाना है, तो समय पर अपना सभी कार्य पूर्ण कर लेना। याद है, चिंता मत करो, मैं समय से आ जाऊंगी। शिवी कुछ देर मंतिका से बात करने के बाद वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सभी नाग नागिन उत्सव के लिए नाग मंदिर में जमा होते हैं। मंतिका भी अपने हाथों में अपने जहर से भरा प्याला लिए हुए उत्सव में जाती है और सभी के साथ उत्सव का मजा लेती है। तभी वहाँ एक दासी हाथों में कई सारे जहर के पात्र भरे लिए आती है और मंदिका वह शिवी को देते हुए कहती है, ये लीजिए एकदम कड़वा जहर है। शुक्रिया, ये लो ये मेरा जहर है, किसी नवजन्मित नाग नागिन को दे देना, उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी जैसा आप कहो। दासी मंतिका से उसके जहर का प्याला लेकर वहाँ से चली जाती है और उसे जाकर बाकी सबके जहर के प्यालों के साथ रख देती है। तभी वहाँ एक अघोरी बाबा आता है और मंतिका के जहर से भरा हुआ प्याला पी जाता है और अजीबोगरीब सा नृत्य करने लगता है। अघोरी बाबा को ऐसे नृत्य करता हुआ देखकर सबको हैरानी होती है। काफी देर तक नृत्य करने के बाद वो मूर्छित होकर जमीन पर गिरता है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तभी नाकेश उसके पास आकर कहता है, बाबा क्या हुआ था आपको? ऐसा कौन सा नशा कर लिया था आपने जो इतना मग्न हुए नृत्य कर रहे थे? वो जहर कोई आम जहर नहीं था, नशा था। ऐसा नशीला जहर मैंने आज तक नहीं पिया। किसका जहर था वो? उसकी महक और स्वाद सब अलग था। कहीं आपने इस प्याले का जहर तो नहीं पिया था? हाँ यही है वो प्याला, इसी में था वो जहर। ये जहर तो मतिका नागिन का था, उन्होंने किसी नवजन्मित नाग नागिन को देने को कहा था। नहीं नहीं, ऐसा घोर पाप मत करना। मंतिका का जहर कोई जहरीला जहर नहीं बल्कि एक नशीला जहर है जिसे पीकर ऐसा नशा होता है। कोई भी इंसान हो या नाग नागिन, हर कोई अपने सुध खो देगा। मैं तो अघोरी हूँ, मेरा क्या है, मर भी जाता तो कम नहीं, पर जो नशा आज मैंने मंतिका के जहर में चखा वो बहुत अलग था। इतना कहकर अघोरी बाबा वहाँ से चला जाता है। पूरे नागलोक में मंतिका के जहर के नशे की बात होने लगती है और कई बार नाग नागिन उसके पास उसका जहर लेने भी आते हैं। एक शाम जब मंतिका गुलाब के पौधों से गुलाब तोड़ रही थी तो उसके हाथों में कांटा चुभ जाता है और जहर बहने लगता है। तभी वहाँ नाकेश आकर कहता है, नशा नशा, तेरे जहर का नशा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे इस नशीले जहर की महक मुझे यहाँ ले आई। दो, मैं तुम्हारे हाथ को ठीक कर देता हूँ। नहीं, मैं गुफा में जाकर खुद ही मलहम लगा लूंगी। हर बात पर ना करना जरूरी है क्या? जितना कह रहा हूँ उतना करो। इतना कहकर नाकेश मंतिका की जिस उंगली से जहर बह रहा था उसे अपने होठों से स्पर्श करता है और बहते हुए जहर को पीने लगता है। कुछ ही पल में जहर बहना बंद हो जाता है
और नाकेश पर मंतिका के नशीले जहर का नशा चढ़ जाता है और उसके कदम डगमगाने लगते हैं। तभी मंतिका उसे संभालते हुए कहती है, तुम ठीक तो हो ना नागेश? क्या हुआ, तुम ऐसे बिना तेज हवा के झूल क्यों रहे हो? तुम्हारे जहर में नशा है, कहा था ना, तुम्हारी आंखें ही नहीं बल्कि तुम्हारा जहर भी नशीला है। अब देखो मेरा क्या हाल हो रहा है, जाकर भी मेरे कदम जमीन पर सीधे नहीं चल पा रहे हैं। हे भोलेनाथ, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? नाग नागिनों का जहर जहरीला होता है, मेरा जहर नशीला है। नाकेश तुम सब्र रखो, मैं तुम्हें तुम्हारी गुफा तक छोड़ देती हूँ। मंतिका किसी तरह से नाकेश को संभालते हुए उसके गुफा तक लेकर जाती है और फिर वापस अपनी गुफा में आती है। वक्त गुजरता है। अब नागलोक में हर कोई मंतिका के जहर के नशे को पाने के लिए लालची था। इसी बीच नागलोक में मंतिका के कई दुश्मन भी बन गए थे, जिसके चलते उस पर कई बार जानलेवा हमले हो चुके थे। ऐसे ही एक दिन जब मंतिका शिवी के साथ नागलोक की सैर कर रही थी, तभी कुछ नाग नागिन आकर उसका रास्ता रोकते हैं और उन्हें देखकर मंतिका कहती है, कौन हो तुम सब और ऐसे हमारा रास्ता क्यों रोक रखा है आप सभी ने? क्या चाहते हो हमसे? और क्या चाहेंगे, पहले ही तुम्हारी खूबसूरती कम थी क्या, जब तुमने अपने नशीले जहर के चलते सबको पीछे लगा लिया है? तुम्हारे इस नशीले जहर की वजह से कोई हम जहरीले जहर वाली नागिन को भाव नहीं दे रहा है। तुम सब पागल हो गई हो क्या? कैसी बातें कर रही हो? सही बात कर रहे हैं, ये हम सबसे अलग है, या तो ये नहीं रहेगी या फिर हम इसके अंदर का सारा जहर निकाल कर पी जाएंगे और फिर हमारी रगों में भी बह रहा जहर नशीला हो जाएगा, फिर हर कोई हमारे आगे पीछे घूमेगा। होश तो ठिकाने पर है ना, अगर तुम मेरे अंदर का सारा जहर निकालोगी तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जियो या मरो, हमें केवल तुम्हारे नशीले जहर से मतलब है और उसे हासिल करने के लिए चाहे तुम्हारे प्राण ही क्यों ना चले जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। दूर रहो मुझसे, जानती हो ना मंतिका हूँ मैं, तुम दोनों से ज्यादा शक्तियाँ हैं मेरे पास। है नहीं थी, जिस तरह से सब तुम्हारे जहर के प्यासे हो रहे हैं, जहर घटने के साथ साथ तुम्हारी शक्तियाँ भी घट गयी। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, न ही तुम्हारी ये सखी शिवी। साथियों बंदी बना लो मंतिका सखी को। नागिन के कहने पर उसके साथी शिवी को बंदी बना लेते हैं और मंतिका को भी पकड़ लेते हैं, जिसके बाद वो उसे मारने के लिए खंजर निकालते हैं। पर इससे पहले कि वो नागिन खंजर से मंतिका को मार पाती, तभी वहाँ नागराज और उसके सिपाहियों के साथ नाकेश आता है और नागराज को देखकर उन दोनों नागिनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। साथ ही नागराज के सिपाही उन दोनों नागिनों को बंदी बना लेते हैं और वहाँ से ले जाते हैं। तभी नाकेश कहता है, मंतिका चलो मेरे साथ, तुम्हारे इस नशीले जहर का तोड़ मिल गया है मुझे। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे इस नशीले जहर की वजह से हर कोई तुम्हारे जहर का प्यासा बन जाए, चलो मेरे साथ। इतना कहकर नाकेश मंतिका को उस अघोरी बाबा के पास लेकर जाता है जो उस उत्सव में आए थे। अघोरी बाबा अपनी शक्तियों से मंतिका के शरीर से सारा नशीला जहर निकाल कर जहरीला जहर भर देते हैं और उसके नशीले जहर को हमेशा के लिए नष्ट कर देते हैं, ताकि भविष्य में कोई उसका गलत प्रयोग न कर सके। मंदाकिनी नागलोक की सबसे ज्ञानी और उत्तम नागिन थी। यूं कहा जा सकता है कि नागलोक की जिम्मेदारियां अगर कोई नागराज के बदले ले सकता था तो वो मंदाकिनी ही थी, क्योंकि वो केवल समझदार ही नहीं बल्कि बहुत बहादुर भी थी। नागलोक पर आए सभी खतरों को पहले ही भाप कर उसे नागलोक से दूर कर देती थी। इसीलिए नागलोक में मंदाकिनी का बहुत मान सम्मान था। मंदाकिनी नागलोक के अलावा भी धरती लोक पर प्राणियों की मदद कई बार करती थी। इसीलिए कोई भी कार्य हो तो नागराज मंदाकिनी को ही याद करते थे। ऐसे ही एक दिन नागराज मंदाकिनी नागिन को बुलाकर उसे कहते हैं, मंदाकिनी तुम इस नागलोक की सबसे विश्वास पात्र नागिन हो। अब तक पूरे नागलोक में तुमने किसी भी प्रकार की बाधा आई हो या किसी भी प्रकार का कोई नागलोक पर खतरा आया हो तो तुमने ही आगे आकर सभी नाग नागिन को बचाया है, सभी का बहुत अच्छी तरह से सामना किया है। नागराज ये सब तो मेरा कर्तव्य है, आप भली भांति जानते हैं कि मैं नागलोक के लिए कुछ भी कर सकती हूँ और मेरा तो बस यही कर्तव्य है कि नागलोक पर कभी कोई खतरा ना आए। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, इसीलिए मैं आज तुमको
जो काम सौंपने जा रहा हूँ उसे भी तुम अच्छे से पूरा करना, क्योंकि ये नागलोक की शान के लिए बहुत ही अच्छा कार्य है। जी नागराज, बताइए मुझे क्या करना होगा, मैं वो कार्य जरूर करूँगी। देखो, धरती लोक पर एक संगीता नाम की स्त्री है जिसने हम नाग नागिनों की बहुत सेवा की है। वो भी हमारी तरह ही भोलेनाथ की भक्त है, लेकिन अब वो संकट में है और हमारा फर्ज बनता है कि हमें उसे संकट से निजात दिलाना चाहिए। हमें ऐसे लोक कल्याणकारी कार्य के लिए ही चुना जाता है। जी नागराज, बताइए कैसा संकट है, मैं अभी जाकर दूर कर दूंगी, आप निश्चिंत रहिए। संगीता के पति की माँ उस पर बहुत ही जुल्म ढाती है, बहुत अत्याचार करती है, लेकिन भोली संगीता अपनी सास के अत्याचार को चुपचाप सह रही है। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि तुम धरती लोक पर जाओ और धरती लोक पर जाकर संगीता की सास को डस लूं। यही कहना चाहते हैं ना आप? नहीं, मेरी बात को तो समाप्त होने दो। तुम धरती लोक पर जाओ और संगीता का रूप लो और उसकी सास जो उस पर अत्याचार कर रही है उसका तुम जवाब दो अपने अंदाज में, और कैसे भी करके संगीता के घर परिवार में जो सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है उसको ठीक करो। आपकी बातों का अर्थ है मैं नागिन इंसानी रूप लेकर संगीता के सास के अत्याचार बहू और उसको अपनी गलतियों का भी एहसास करवाऊं, ताकि संगीता की आगे की जिंदगी सुख में हो, है ना? हाँ, क्योंकि जिस प्रकार से भोली संगीता कुछ नहीं बोल रही है ये हमसे तो नहीं देखा जा रहा है, और तुम सबसे विश्वास पात्र नागिन हो इसीलिए ये कार्य मैंने तुम्हें दिया है। तुम धरती लोक पर जाओ और अत्याचारी सास का अत्याचार खत्म करो। लेकिन मैं धरती लोक जाऊंगी और उसका रूप लूंगी तो संगीता कहाँ जाएगी? वो तो सबको बता देगी कि वो ही संगीता है, फिर कैसे मैं ये सब करूंगी? कार्य में बाधा उत्पन्न होने की वजह से ये नहीं हो पाएगा। जितना समय तुम धरती लोक पर रहोगी उतने समय तक हम नाग लोक में संगीता को निंद्र विष देकर रखेंगे, जिससे बाद में वो सब भूल जाए और तब तक तुम आराम से अपना काम कर सकती हो। ठीक है, फिर मैं आज ही धरती लोक पर जाकर अपने कार्य में लग जाती हूँ, और आपके दिए इस कार्य को भी मैं सफलतापूर्वक पूरा करूंगी और लोक कल्याण के कार्य में हमेशा तत्पर रहूंगी। हाँ, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम ये कार्य भी सफलतापूर्वक ही करोगी। मंदाकिनी नागराज के कार्य को पूरा करने के लिए धरती लोक पर चली जाती है और वहाँ से संगीता को नागलोक में लाकर निंद्रा विष दे देती है। उसके बाद वो वापस धरती लोक जाती है, संगीता का रूप लेकर उसके घर चली जाती है। वहाँ संगीता की सास रमा आती है और मंदाकिनी नागिन को संगीता के रूप में देखकर उसके पास जाकर कहती है, क्यों रे आ गई घूमकर? तुझे कितनी बार बोला है कि तुझे कहीं भी जाना हो तो मुझसे पूछे बिना मत जाया कर, लेकिन तेरे पर निकल गए हैं, बाहर जाकर घूमना है, घर का काम कौन तेरा बाप करेगा? माँ जी, मैंने सारा काम कर दिया था तभी मैं बाहर गई थी, और मैं अपने किसी काम से नहीं बल्कि आपके लिए ही गई थी। आपने ही बोला था ना आज आपको पकोड़े खाने का मन है, इसलिए बेसन लेने गई थी मैं। आप बिना बात ही मुझे सुनाती रहती हैं। आपकी ही बहू हूँ, किसी पड़ोसी की नहीं। हाय राम, थोड़ी देर बाहर क्या चली गई? तेरी तो जुबान ही चलने लगी, देखो तो कैसे कैंची की तरह जुबान चल रही है। रुक, तुझे तो मैं अभी समझाती हूँ, ऐसे बात समझ नहीं आएगी तुझे। माँ जी, अगर आपने मुझे मारने की कोशिश की तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए आप सोच समझ कर हाथ उठाना। अरे ओ नागिन, तेरे लिए भी अब क्या मैं सोचूंगी? रुक, तुझे ज्यादा ही अकल आ गई है ना, तू नागिन बन रही है। रुक, मैं भी नागिन की सास हूँ, सारा जहर निकाल दूंगी अच्छे से। हे भोलेनाथ, कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया कि मैं नागिन हूँ? क्या हुआ, अब बोलती क्यों बंद हो गई? अब बनना नागिन, बन अब। ठीक है, फिर आप करो जो आपको करना है, मैं भी आपके बेटे को सब कुछ बता दूंगी। आज तक आपने सब छुपाया है ना, लेकिन अब नहीं। वो मेरा बेटा है इसलिए तेरी बातों का विश्वास भी नहीं करेगा। कोई बात नहीं, कब तक नहीं करेगा, देख लेना एक दिन मैं सब ठीक कर दूंगी। नागिन की अत्याचारी सास का अत्याचार खत्म ही कर दूंगी मैं। चल, पहले तो तेरी ये जुबान ही खत्म कर दूं, बहुत चल रही है ना। रमा अंदर ले जाकर मंदाकिनी को मारती है, लेकिन उस वक्त मंदाकिनी कुछ नहीं करती और चोट के निशान भी अपनी शक्तियों की मदद से गायब कर देती है। कुछ दिनों बाद जब काम ना करने की वजह से रमा मंदाकिनी को मारने जा रही थी, तो मंदाकिनी मारते समय उसकी वीडियो बना लेती है और बाद में रमा के पास जाकर उसे दिखाते हुए कहती है, ये देखो माँ जी, ये रहा सबूत, अब आप क्या बोलोगी? ये वीडियो मैं सबको दिखा दूंगी और फिर आपको अपने अत्याचार बहुत महंगे पड़ेंगे।
नहीं बहू, मैं तेरी सास हूँ ना, तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? तू अगर मेरे बेटे को सब बता देगी तो मैं उससे नजरें कैसे मिला पाऊंगी? ऐसा मत करना बहू। अच्छा, अब बहू याद आ गई। इससे पहले तो मैं नागिन थी ना, और अब सबूत दिखा दिए तो बहू बन गई। लेकिन अब मैं आपके अत्याचार और नहीं सहूंगी। अब आपको आपके कर्मों की सजा मिलकर ही रहेगी। बहू, तो घर की बात घर में ही रहने देना, बाहर जाएगी तो क्या अच्छा लगेगा? कोई तेरी सास तो कुछ बोलेगा नहीं ना, तो मेरी बात मान जा। ठीक है, मैं आपकी बात मान तो लेती हूँ, लेकिन एक शर्त पर, कि अब आप कभी भी ऐसा कुछ करना तो दूर की बात है, ऐसा कुछ करने की सोचेंगे भी नहीं। हाँ हाँ बहू, मुझे तेरी सारी बातें मंजूर है, मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगी। रमा मंदाकिनी की बात मान लेती है, और उसके बाद मंदाकिनी वापस से संगीता को उसके परिवार के पास छोड़ देती है। लेकिन संगीता को कुछ याद नहीं था। संगीता का बर्ताव वापस पहले जैसा हो जाता है। ये देखकर रमा उसके ऊपर वापस अत्याचार करने लगती है, और इसकी खबर जब मंदाकिनी को होती है तो वो वापस नागिन रूप में धरती लोक पर आती है और दोनों के सामने जाकर कहती है, माँ जी, मैंने आपको कुछ समझाया था, क्या आपको मेरी बात समझ नहीं आई? अरे तुम हो कौन, आधी नागिन और आधी इंसान? बहू चल। माँ जी आप जाओ, मैं यहाँ हूँ, आप बाहर से बुला लाओ लोगों को, हम इसे सुरक्षित बाहर छोड़ाएंगे। संगीता तुम कितनी भोली हो, तुम्हारी सास तुम पर इतने अत्याचार करती रही, लेकिन अभी भी तुम उनके बारे में सोच रही हो। और आप माँ जी, कुछ दिनों पहले आप जो अत्याचार कर रही थी ना, वो संगीता पर नहीं बल्कि मुझ पर, एक नागिन पर कर रही थी। मैंने आपको ये सब करने से मना किया था, लेकिन आपको समझ नहीं आया। अब मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। नहीं नागिन जी, आप मेरी सास को कुछ मत कहिए। नहीं बहू, अब तो बस कर दे। आज जब इतना कुछ होने के बाद भी तू मेरे लिए खड़ी है, तो मुझे अपनी गलतियों पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। बहू मुझे माफ कर दे। नहीं माँ जी, आप माफ़ी मत मांगी, आप बड़ी हैं, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए आपसे। नहीं संगीता, तुम्हारी सास भले ही तुम पर अत्याचार कर रही है, आज तो नागिन ने आकर सास के अत्याचार सह लिए, लेकिन तुम्हें अपने लिए बोलना चाहिए। अरे नागिन जी, आप भी मुझे माफ कर दो, नागिन की एक अत्याचारी सास बन गई, मैंने अपनी बहू के साथ साथ आपको भी बहुत परेशान किया है ना, अब मेरा विश्वास करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये बस मैं आपके डर की वजह से नहीं, बल्कि मुझे मेरी गलती समझ में आ गई है, इसलिए बोल रही हूँ। मंदाकिनी का धरती लोक पर आकर नागिन होते हुए सास के अत्याचार सहना सफल होता है। इसके बाद संगीता भी अपनी जिंदगी में खुश रहने लगती है, और मंदाकिनी वापस नागलोक चली जाती है।